बाकायदा आप गुस्से में आ जाएंगे। खबर कोंडा गांव से है जहां 25 बच्चों के साथ हैवानियत की गई है और बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया गया। शिक्षिका ने ये गर्म तेल डाला है। शौचालय गंदा होने पर शिक्षिका मैडम इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने इन बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया। गर्म तेल से बच्चों के हाथ जल चुके हैं। मामला माकड़ी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक स्कूल का है और यहां पर शिक्षकों ने धमकी देकर बच्चों का मुंह बंद कराया। मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये मैडम इतने ज्यादा गुस्सा हो गई कि इन्होंने 25 बच्चों को देखा ही नहीं और अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला कि गर्म तेल डाल दिया बच्चों के हाथों पर। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बच्चों के जो परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है, क्या मांग है उनकी? देखिए अमनका जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक शौचालय किसने गंदा किया, क्या गंदा किया, कैसे गंदा हुआ, इसकी जांच न करके शिक्षिका ने 25 बच्चों के हाथ में गर्म तेल की बूंदे चपका दी, जिससे बच्चों के हथेली में फफोले पड़ गए हैं। आज जहाँ मामला जैसे सामने आया तो आज जांच अधिकारियों की टीम वहां पे पहुंची थी। तहसीलदार पहुंचे थे, जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे थे और बाल विकास विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, पर कोई भी यहां पर मीडिया के सामने कुछ भी बताने से बचते नजर आया। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि जिला शिक्षा अधिकारी भी ये कहती है कि जब जांच प्रतिवेदन आ जाएगा उसके बाद हम कुछ कहेंगे। लेकिन मामला जो इस तरीके से आ रहा है कि इन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो प्रतिवेदन तैयार किया है, इसकी जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा जा रहा है कि बच्चों ने आपस में ही तेल गर्म करके एक दूसरे के हाथ में डाला। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 25 बच्चों के हाथ में गर्म तेल पड़ा और किसी बच्चे ने चीखा नहीं, किसी बच्चे ने चिल्लाया नहीं। वहाँ पर गांव वाले भी हैं, वो दबी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर विवेक कि क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी है शौचालय साफ रखने की? कर्मचारी भी तो होते हैं वहां पर स्कूल में, हर टॉयलेट्स के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनकी हायरिंग होती है, इन्हीं कामों के लिए होती है, तो उनका क्या रोल है? और अगर ये बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा और शौचालय गंदा हो भी गया तो क्या इस तरह की सजा दी जाएगी, इस लेवल की सजा दी जाएगी? किसी ना किसी तरीके से ये जो है एक अमानवीय कृत्य ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बच्चों के हाथ में गर्म तेल डाला, वहां पर सफाई कर्मचारी है जो सब यही स्कूल के सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांग वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करते, पर स्कूल में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं दिखाते, ऐसा लगता है। जिसका नतीजा ये हुआ है कि शौचालय गंदा हो गया। अब किसने गंदा किया, क्योंकि स्कूल में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, खाली तार के घेरे लगे हुए, कोई ग्रामीण भी वहां जा सकता है, वो भी लेडीज शौचालय का। जिसने इस तरीके से बच्चों के हाथ में तेल डाला गया, गांव के जो बच्चे, हमारे पास में एक तस्वीर भी हमने भेजी है जिसमें आप देखिएगा बच्ची रो रही है और इस कदर रो रही है, उसका कहना है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करूंगी। हाथ दिखाने पर वो बोली कि मुझे फेल कर दिया जाएगा यदि हाथ दिखाया जाएगा। तो बच्चों को बंद कमरे में जिस तरीके से धमकी दी गई है और पेरेंट्स लोगों को धमकाया गया, तो गांव वाले भी थोड़ा सा बच्चों के भविष्य को लेकर ये, लेकिन एक पालक सामने आया जिसने बताया कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, बच्चों के हाथ में तेल कैसे गिरा। जी बिल्कुल।